बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। MiG-21 क्रैश हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं। लक्ष्मण राघव हमारे सहयोगी घटनास्थल से हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण, ताजा अपडेट इस वक्त, फिर से जुड़ने की कोशिश, लेकिन शुरुआती वक्त में जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि MiG-29 नहीं बल्कि अब MiG-21 की पुष्टि हुई है कि MiG-21 क्रैश हुआ है, और ये क्रैश होने वाले जगह की तस्वीरें दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले कि हम बात करें तो जोधपुर में सितंबर महीने में 2018 सितंबर महीने में MiG-27 क्रैश हुआ था, और अब MiG-21 क्रैश हुआ है, इस खबर की पुष्टि हो चुकी है। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लड़ाकू विमान है ये, और फिलहाल पायलट सुरक्षित। जिस इलाके में ये MiG-21 क्रैश हुआ है वो पॉश एरिया नहीं है, इस वजह से कोई जान माल को क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन एहतियातन फायर ब्रिगेड की टीम वहां पे पहुंच रही है राहत बचाव करने के लिए। वहां पे टीमें तैनात की जा रही है, और ये जो विजुअल्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर जो दरअसल आपके सामने है, वो घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पे है। कुछ ही देर में वहां की गतिविधियां देखिए जरा। अब पहली प्राथमिकता यह है पायलट को सुरक्षित वहां से हॉस्पिटल पहुंचाना। राहत की बात यही है कि पायलट महफूज है। फायर ब्रिगेड की टीमें यहां अलर्ट हो चुकी है, वो टीमें वहां पे रवाना हो रही है ताकि आग को बुझाया जा सके, क्योंकि कुछ देर तक जब ये विमान क्रैश हुआ होगा जोर का धमाका, लोग खौफ में आ गए होंगे। आसपास के लोगों ने ही, चश्मदीदों ने ही जैसे ही देखा कि एक पैराशूट नुमा उपकरण कुछ गिर रहा है, उनके कान तुरंत खड़े हो गए, वो तुरंत अलर्ट हो गए, तुरंत ही आनन फानन में पुलिस को इन्फॉर्म किया, और फिर पुलिस ने जैसे ही कंट्रोल रूम से संपर्क साधा, इस बात की पुष्टि हो गई कि MiG-21 क्रैश हो चुका है, जो कि लड़ाकू विमान है। आपको याद होगा कि अभी हालिया घटना, ताजा घटना, जिसमें पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को जब मारना था, मार गिराना था, तो MiG-21 का ही इस्तेमाल किया गया था, और इस्तेमाल किसने किया था? अभिनंदन ने। आपको याद है अभिनंदन को पाकिस्तान ने अपने कैद में ले लिया था, लेकिन दो दिनों में ही जिनेवा संधि के तहत उसे छोड़ना पड़ गया था। तो MiG-21 एक लड़ाकू विमान है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर वक्त युद्ध में किया जाता है, और फिलहाल यही विमान क्रैश हुआ है। ये जो इलाका है वो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर वाला इलाका है, यहां से बहुत कम ही दूरी है। अब जानकारी हम आप तक ये भी पहुंचाएंगे कि आखिर यहां पे जो मूवमेंट हो रहा था, उस मूवमेंट के पीछे मकसद क्या है। तो लगातार हम आपको खबर अपडेट कर रहे हैं और तस्वीरें साथ साथ दिखा रहे हैं। MiG-21 क्रैश हो चुका है, लेकिन राहत की बात यह है कि पायलट महफूज है इस वक्त, और फायर ब्रिगेड की टीमें रवाना हो चुकी है। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बारे में और MiG-21 के बारे में बता रहे हैं। तो वियतनाम में दिखी थी MiG-21 की ताकत, एक दौर में मिग विमान अमेरिका के F-16 विमान पर भारी पड़ते थे। मिसाल के तौर पर वियतनाम को देखें, वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने A-104 स्टार फाइटर और एडवांस थर्ड जनरेशन F-4 फैंटम का इस्तेमाल किया था। खास तौर पर फैंटम डबल इंजन वाला शक्तिशाली विमान था जो भारी मात्रा में हथियार ढो सकता था। उस दौर में ये परमाणु हथियार भी ले जा सकता था, ये इसकी खूबियां हैं। इन खूबियों के बारे में हम आगे भी बताएंगे कि MiG-21 दरअसल लड़ाकू विमान होने के साथ साथ इसके क्या कुछ फायदे हैं, और दूसरे देशों से टक्कर लेने में ये हमें कितना फायदा पहुंचाता है। लक्ष्मण राघव मौके से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, बिना वक्त जाए कि सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या पायलट को वहां से हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है?
देखिए बिल्कुल फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो हैं वो सुरक्षित हैं, वो एग्जिट कर गए थे जब ये विमान गिरा पैराशूट से। और ये तस्वीर गुलाम रसूल दिखा रहे हैं मिग 29 जो क्रैश हुआ। पहले ये खबर आई थी कलेक्टर से जब हमारी बातचीत हुई, लेकिन अब अपडेट आया है कि मिग 21 जो है क्रैश हुआ है। और देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर तमाम जो वायुसेना के अधिकारी भी आपको नजर आ रहे होंगे, फायर ब्रिगेड जिसपे आग बुझाई गई वो वहां पर नजर आ रही है। और जहां तक बड़ा अपडेट जो है वो ये है कि पायलट सुरक्षित है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ पर लोग भी जो है एकत्र हो गए हैं। दरअसल ये पर्ल जो है टाउनशिप है जहाँ पर हम खड़े हैं, और ठीक इसके साथ लगता हुआ ये जो इलाका है जहाँ पर ये मिग 29 क्रैश हुआ है। जहाँ तक मिग 29 की आप बात कर रही थी, बिल्कुल सही बात कह रहे थे आप। करीब 6 दशकों से ये भारतीय सेना में है, वायुसेना का हिस्सा है, और 1965 में जो इंडो पाक वार था उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रही थी। तो ये एक देखिए मिग 21 जो है क्रैश हुआ है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी, जिनकी टाउनशिप है वो भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी रीमा जी, नहीं आप पहले बात कीजिए फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे। कब पता लगा आपको, क्या कहेंगे आपको, कैसे पता लगा आपकी यहाँ पर ये टाउनशिप आपकी है, इसको आपने डेवलप किया है? हाँ जी, मेरे बड़े भाई साहब की टाउनशिप है और यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे, तो मजदूर के यहाँ से आधे घंटे पहले लगभग फोन आया कि पायलट वहाँ पे आगे गेट के पास पायलट गिर गया था। उन्होंने पायलट को उठाया, पायलट को थोड़ा संभल दिया, उसको लिटाया, फिर आगे जाके में आगे गिर गया खुली जगह पे। तक मजदूरों ने आपको सूचना कितने बजे दी होगी? करीब मजदूरों ने तकरीबन एक घंटा पहले लगभग सूचना दी है। तो देखिए जैसा कि मैंने उसमें कहा था फोनों में कि फार्म हाउस के आसपास जो गिरा है, और कुछ मजदूरों ने ये सूचना सबसे पहले दी थी, और पहले ये बताया गया था। दरअसल वो हिस्सा जो हम बता रहे हैं, सबसे पहले पैराशूट ही दिखा था जिससे पायलट ने एग्जिट किया था, जो पैराशूट नुमा चीज थी तो वो हमने बताई थी उस वक्त। और ये जो है इस तरफ गिरा, यहाँ पर जो अब तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीधे, हालांकि एक मलबे में बदल गया है आग के बाद, आप समझ सकते हैं क्रैश के बाद जो स्थिति होती है। और फिलहाल जो है आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, वायु सेना के जो ऑफिसर्स हैं उनका यहाँ पहुंचना शुरू हो गया है, और पुलिस के जो थाना अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौके पर हैं। लक्ष्मण फिर से जुड़ने की हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन जैसा कि हम मिग 21 के बारे में आपको अपडेट कर रहे थे और आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि ये सेना के लिए कितना महत्वपूर्ण, तो अब इसके इतिहास के बारे में जरा हम आपको बता दें। यूएसएसआर से 1962 की शुरुआत में मिग खरीदे गए। वियतनाम युद्ध में वियतनाम में मिग 21 पायलटों ने कुल 37 फैंटम F-4B, F-4C, F-4D इस तरीके से जो विमान मार गिराए थे, तो ये उसकी उपलब्धि रही है। ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, अभी हालिया हम पाकिस्तान के साथ जो वॉर जैसी स्थिति बन गई थी उसमें मिग 21 का आपने कमाल देखा हमारे फाइटर पायलट अभिनंदन के जरिए। लक्ष्मण मेरे जहन में सवाल ये है और शायद जो दर्शक जुड़े हैं हमसे उनके जहन में भी होगा, हालांकि शुरुआती वक्त है शायद ही तस्वीर साफ हो जाए, ये पाकिस्तान और भारत वाला बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे मिग 21 का मूवमेंट क्यों? लक्ष्मण दरअसल हमारे सहयोगी की कोशिश यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी कम वक्त में आप तक पहुंचाए, और फिलहाल जो चश्मदीद वहां पे हैं, जो घटना के वक्त वहां पे मौजूद थे, जो कुछ काम करने वाले मजदूर थे जो खेत में काम कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने देखा कि पैराशूट से कोई नीचे गिर रहा है, फिर उन्होंने आनन फानन में और लोगों को इसके बारे में सूचना दी, और फिर कुछ लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और उसके बाद स्थानीय थाना अध्यक्ष पहुंचे, फिर कंट्रोल रूम से संपर्क साधा गया, और ये बात फिर बहुत ज़्यादा फैली। और फिलहाल की स्थिति ये है कि इस लड़ाकू विमान की स्थिति आप देख सकते हैं राख में तब्दील, हालांकि उस वक्त जोर का धमाका हुआ था, बहुत देर तक अफरा तफरी का माहौल, एहतियातन एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है, फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच चुकी है, और तस्वीरें हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी घटना है, इससे पहले की बात करें तो 2018 सितंबर में
MiG-27 लड़ाकू विमान वो भी है जोधपुर में क्रैश हुआ था। वहां भी हमने पायलट की सूझबूझ देखी, जहां बसावट वाले एरिया में नहीं बल्कि एक शहर से दूर इलाके में जाकर प्लेन को क्रैश किया गया था। उसमें भी पायलट महफूज और